इन्होंने मिक्सर का ब्लेड ढीला किया ताकि नंदनी का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खराब हो सके। आपको क्या लगता है, तो आप ये सब हरकत करके इस घर में रह लोगे? गलतफहमी है आपकी। अभी के अभी अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और निकल जाओ इस घर से। आकाश, वो तुमसे बड़े हैं और बड़ों के साथ ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन बड़े हमारे साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बोल दीजिए इनको अभी के अभी इस घर से बाहर चली जाए। अपना बुढ़िया बिस्तर बांधिए और निकलिए यहां से। नहीं नहीं अंग्रेजी, ऐसा मत कीजिए। ये बेचारे कहां जाएंगे? इनका तो कोई परिवार भी नहीं है। मत कीजिए ना ऐसा। देख लिया, यही फर्क है आप में और नंदनी में। इसके मन में आपके लिए सद्भावना और करुणा भरा है, पर आपके मन में सिर्फ नफरत। लेकिन मैं इस नफरत को और नहीं फैलने दूंगा। मैं आपके ना हरकतों से अच्छे से वाकिफ हूं। आप फिर से ये गंदी साजिश करेंगे, इसलिए अभी के अभी निकल जाइए इस घर से। आकाश, छोटी के पास कोई नहीं है, कहां जाएगी वो? वो एकदम अकेली है। लेकिन हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो हम खुद उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। आशा करते हैं कि तुम्हें बात समझ में आई होगी। लड़की, हम अच्छे से समझ गए। हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें माफ कर दो। ऐसी गलती फिर से कभी नहीं होगी। ठीक है, अपने कमरे में चली जाओ। चलो नंदनी। आकाश और नंदनी के जीवन में और मुश्किलें आ जाए उसके पहले हमें पंडित जी को फोन करके कोई पूजा करवानी होगी। शांत हो जाइए नंगरेजी, इसे गुस्सा करके कुछ थोड़ी ना मिलेगा। कैसे शांत हो जाओ बताओ? क्यों बार बार तुम्हें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है? सिर्फ इसलिए कि तुम सबका भला चाहती हो? तुम गलत को गलत और सही को सही बोलती हो इसलिए? कभी कभी तो मन करता मैं तुम्हें यूएस लेके चला जाऊं। नहीं, इस देश की धरती हमारी मई है और हम अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहते। और आप हमारी चिंता काय कर रहे? जब तक आप हमारे साथ है, आपका प्यार हमारे साथ है, कोई चाहे लाखों कोशिशें कर ले पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए बाप, आराम कर लीजिए। सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है। सिर्फ मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी। तुम भी सो। चलिए। सर, फैक्ट्री में बाढ़ आ गया है, आपको तुरंत आना होगा। दोनों बाद तुम्हें इतने सुकून की नींद मिली है नंदनी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं
कल सुबह वापस लौटूंगा। माफ कीजिएगा भगवान जी, आज थोड़ी देरी हो गई। खुश रहो बेटा, तुम और आकाश की जिंदगी में ऐसे ही प्यार बना रहे। एक बात बताओ कि तुम आज इतनी देर से क्यों उठी? वो दादी माँ, हमें माफ कीजिए, बहुत दिनों बाद हमें सुकून की नींद मिली है, इसलिए आंखें नहीं खुली हमरी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। वैसे अंग्रेजी रोग कहाँ है दादी माँ? अरे वो हमारे किशनपुर वाली फैक्ट्री है ना, वहाँ बाढ़ आ गई है, वहाँ बहुत नुकसान हो गया था, वो कल रात को ही गया था, अभी आता ही होगा। ठीक है, हम दोपहर के खाने की तैयारी कर देते हैं। हम जाकर देखते। कौन है ज्योति? दादी गेट पे तो कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं ज्योति, होता है कभी कभी। चलिए भाभी। ये आवाज कैसी? किसी के घर में आने का? दादी माँ, हो सकता है ये लोग गलती से यहाँ आ गए होंगे, कहीं और बारात लेकर जा रहे होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? ज्योति, बारात तो लड़के की होती है, लड़की की नहीं। ओह हाँ, हम तो भूल ही गए थे। कौन है आप लोग? पैरों में बिछुआ, मांग में टीका, कलाई में चूड़ियां चनकती छन छन है, हमको ये गैर नहीं, इस घर की नई दुल्हन है। नहीं, यहाँ किसी की शादी नहीं हो रही है, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, ये तो भारद्वाजों का घर है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पति का कोई पता है, कोई पहचान है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अरे नंदिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? मदद परिचित लोगों की जाती है, आप परिचित लोगों की नहीं, और ये तो हमको डाकू और लुटेरे लगते हैं। अरे जल्दी से इनको यहाँ से बाहर निकालो। तुम कसम करेजे की हम जगह लूटने नहीं, बल्कि इस घर में खुशियां लुटाने आए हैं। हमरे बड़के भैया कहे कि हमारा ससुराल है, तो दुल्हन का तो फर्ज ही होता है ना कि अपने ससुराल में खुशियां बिखरे। सही कह रहे हैं ना? ससुराल, बताइए ना हमारे राजा जी कहाँ है? राजा जी? अरे मतलब हमारे जीजा जी। तुम्हारे राजा जी की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है हमारे पास फोटो। ये तो हमारा पोता आकाश है।
पर हमारे पोते की शादी हो चुकी है, तुम उसकी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश की पत्नी है और वो है नंदिनी, जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। कसम करे जे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर हम झूठ बोले तो काला कौवा हमारे सर पे चोंच मार दे। पूरे किशनपुर के सामने हमने इनके साथ पकड़वा शादी की थी। पकड़ो शादी? आकाश और फूली की शादी का बंधन 7 जन्मों के लिए जुड़ चुका है और इस बात से कोई मुकर भी नहीं सकता। आकाश और फूली की शादी हुई है, यही सच्चाई है। और याद रखो, हमारी बंदूक की नोक अगर शादी करा सकती है तो शादी ना मानने वालों को सबक भी सिखा सकती है। हमारी बंदूक 1 मिनट में गैर कानूनी को कानूनी बनाना जानती है, समझी? आप लोग अपनी बंदूक नीचे रखिए और ये सब बंद करिए। हमारे पोते को आने दीजिए, क्योंकि वही बता पाएगा कि असली बात क्या है। असली बात गई तेल लेने। हमने कहा ना कि ये इस घर की बहू है, तो मतलब यही है। पकड़वा हमारी प्रथा है और उस हिसाब से ये आपके घर की बहू हुई। अब इस बात को आप जितनी जल्दी समझ पाए आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। रुक जा रामू, आने दे इनके पोते आकाश को, वही आके सारी सच्चाई बताएगा अपने मुंह से कि उसने फूली से शादी की है कि नहीं। नहीं, हम तुम लोगों को 1 मिनट भी घर में रुकने नहीं देंगे। आप लोग बाहर जाइए, बाहर वेट करिए। ठीक है, हम आपकी बात का सम्मान रखेंगे और हम आपके पोते का बाहर इंतजार करेंगे। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमारी फूली इसी घर में रहेगी और उसको किसी ने बेइज्जती की या कोई तकलीफ दी तो 1 मिनट से पहले ठोक देंगे। चलो रे। अरे बड़की, हमें तो समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। हम लोग चुप क्यों हैं? हम काहे किसी पुलिस को फोन नहीं कर रहे हैं? हाँ छोटी, तुम ठीक कह रही हो, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। इस तरीके से किसी के घर में घुस जाना सही बात नहीं है। नहीं दादी जी, दरोगा जी को मत बुलाइए ना, हमें दरोगा जी के हवाले मत कीजिए। अकड़वा गुनाह है पूरी, इसलिए पुलिस को फोन तो करना ही पड़ेगा। अकड़वा साथ ही गुनाह आपकी नजर में होगा, लेकिन हमारी नजर में जो आजादी है, आजादी उस समाज से जहाँ लड़कियों को पैरों की जूती समझा जाता है, जहाँ लड़कियों से ढंग से बात भी नहीं की जाती, जहाँ तक कि अगर हम यहाँ से गांव वापस चले गए ना तो मेरे भाई लोग को गोली से मार देंगे। वहाँ ससुराल से आई हर दुल्हन का हर मौत ही होता है। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, हम फोन करेंगे। दादी माँ चुप जाइए। नहीं करेंगे हम पुलिस को फोन, लेकिन बदले में तुम हमसे वादा करो कि अंग्रेजी हीरो के आते ये सारा मामला सुलझाओगी और यहाँ से चली जाओगी। हमें मंजूर है दीदी। नंदिनी तुम चलो हमारे साथ। भैया ये फोटो देख सकते हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी फोटो है। देख राज की बात बताएं,
ये जो पुलिस को फोन लगा रही थी ना, वो हमारी बहन है सुमित्रा, और हम उसकी साउथ है। एक बात पूछेगा? अरे का दो पूछो। वो आपके घर में बहू का गृह प्रवेश नहीं होता है का? वो जैसे फिल्मों और टीवी सीरियल में दिखाते हैं, कर दीजिए ना हमारा गृह प्रवेश। हमें बचपन से बहुत शौक है। बहुत अच्छे सपने देखती हो तुम्हें, बहुत अच्छे। श्री राम जी को पूछ ले तो करा दे तुम्हारा गृह प्रवेश। जय राम जी की। बहुत मजा आ गया भाई। लेकिन नंदिनी, वो लड़की अपने आप को आकाश की पत्नी कह रही है, तो फिर तुम क्यों उसे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती? उसकी मासूमियत को देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर हमें इतना तो समझ में आ गया कि वो जो कुछ भी कर रही है वो जानबूझकर नहीं कर रही, वो लाचार है। बाकी आप फिक्र मत कीजिए, एक बार अंग्रेजी ही रुकाने दीजिए, फिर पूरी इज्जत के साथ उसे उसके गांव के सैदपुर वापस भेज देंगे। कह के हम भी नहीं चाहते कि कोई भी हमसे हमारे अंग्रेजी हीरो को छीने। नंदिनी बेटा, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे और आकाश के रिश्ते में जो मिठास आई है कोई भी उसे कड़वाहट में बदलते हैं। हम जानते हैं कि लड़की सीधी साधी मासूम है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को आकाश की पत्नी कह रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए नंदिनी कि तुम्हारे इस दरिया दिली की वजह से उसके जज्बातों को और हवा मिल जाए और फिर वो हमारे घर से कभी ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा दादी माँ। हम जानते हैं हमारे अंग्रेजी हीरो के पास इस मुसीबत से निकलने की कोई ना कोई तरकीब जरूर होगी। ठीक है, हम आकाश को फोन लगाते हैं। किराए पे नहीं चढ़ा देते क्या भैया? अब ना हम यहाँ से चल के आएंगे और आप सब तालियां बजाएंगे, ठीक है? हाँ, बजाएंगे। अरे लेकिन गृह प्रवेश पति के साथ होता है, अकेले नहीं। सुनिए, आपका नाम क्या है? मुरली। अच्छा, कथा जी। मुरली जी, लगता है आपने सरकार की आत्मनिर्भर योजना के बारे में सुना ही नहीं। सब लोग अपना सभी काम आत्मनिर्भरता से अकेले कर सकते हैं, तो हम भी अकेले ही कर लेंगे। और वैसे भी हमारे राजा जी तो हमारे दिल में कह दिए ना, और उनकी फोटो भी है हमारे पास, ये देखो। मदद तो तुम्हारी कर ही सकते हैं। आकाश को फोन नहीं लग रहा है। भगवान जी, अंग्रेज हीरो घर में सही सलामत आ जाए। अरे
थाली तो बजाइए ना। अरे हाँ बजा दी बजा। जेठानी जी रसोई कहाँ है? क्यों जाना तुम्हें? बता दीजिए ना कहाँ है रसोई? बताइए। अरे वाह ये रसोई है या राजमहल? हमरा बस चले तुम यही बिस्तर डालकर लेट जाए ना, कहीं चूल्हे का धुआं ना कहीं कलश जमी हुई है। एकदम चाक चाक रसोई है, जो तो आज हमारी पहली रसोई है। ऐसा कहा बनाए कि सबका दिल एकदम खुश हो जाए। हलवा मेथी का हलवा, किशनपुर में तो हमारे हाथ का मेथी का हलवा सबको बहुत पसंद था, यही बनाएंगे हम। इसमें हलवा बनाने में तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रसोई में आने की? आज हमारी पहली रसोई है ना, तुम सबका दिल खुश करने के लिए सबके लिए हलवा बना रहे हैं। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? खुद अपने से गृह प्रवेश कर लिया, अब हमारी रसोई में आई हो, तुम्हें कुछ शर्म नाम की चीज है या नहीं? और अच्छे से सुन लो और समझ लो, कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं जोड़ता, और जो रिश्ता तुम हमारे परिवार के साथ जोड़ना चाहती हो ना, वो मुमकिन नहीं है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.